चलिए अब राशि अनुसार चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की, तो कैसी रहेगी आज के दिन आर्थिक स्थिति, इनकी कामकाज कैसा रहने वाला है, रिश्ते नाते कैसे रहेंगे, सेहत कैसी रहेगी आज, साथ ही साथ क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, अगर आपकी मेष राशि है तो आपके आमदनी के स्थान पर इस समय शनि देव 8 अंश 28 कला पर स्वगृही होकर के गोचर कर रहे हैं, जो इस बात का संकेत कर रहे हैं कि आमदनी के स्रोत में वृद्धि होगी। अगर आप कहीं चाह रहे हैं निवेश करना, इन्वेस्ट करना, तो आप कर सकते हैं। लेकिन एक बात बताना चाहूँगा कि आपके जीविका भाव का स्वामी शनि, जो एकादश भाव में बैठा हुआ है, और आपके तृतीय भाव का स्वामी जो बुध, इस समय सप्तम, परस्पर सप्तम है शनि के साथ, वो ये संकेत कर रहे हैं कि आज आपको अपने काम में कुछ नयापन लाने की ज़रूरत है। पुराने घिसे पीटे लकीर पर ही ना चलें, और चाहे आप जितना व्यस्त रहते हों, आज आपको जीवन साथी के साथ कुछ समय जरूर बिताना चाहिए। मानसिक तनाव आपका स्वास्थ्य बिगाड़ सकता है, और जल्दबाजी में कोई भी फैसला आपको नहीं लेना चाहिए। तुलसी के पौधे में जल चढ़ाना चाहिए। शुभंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात करेंगे वृषभ राशि वालों की, कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते, सेहत, साथ ही साथ क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। आज तो आपका ग्रह गोचर बहुत बढ़िया है। शुक्र और चंद्रमा की युति कर्क राशि में है, तो स्वराशि में चंद्रमा शुक्र के साथ है। इसका मतलब अगर आप शेयर मार्केट में सोच समझ कर अगर पैसा लगाएंगे तो निश्चित रूप से अच्छा लाभ होने वाला है। काम को लेकर के कोई नई योजना आप बना सकते हैं, उसके लिए भी अनुकूल समय है। अपनों के साथ वक्त बिताएं, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, दिन में सोना नहीं है। किसी नई योजना में निवेश आपको नहीं करना चाहिए। मछलियों को आटे की गोलियां खिलानी चाहिए। शुभंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जान लेते हैं मिथुन राशि का राशिफल क्या कहता है, कैसा रहेगा आज उनका पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, आपके यात्रा स्थान में शनि देव विराजमान हैं और चंद्रमा से सदाष्टक योग बन रहा है, 6-8 हैं। इसका मतलब कि अगर आज आप कोई यात्रा करेंगे तो धन हानि हो सकती है। आपको अपने सामान की पूरी सुरक्षा करनी चाहिए और अलर्ट होकर के यात्रा करनी चाहिए। ऑफिस के किसी बड़े काम में आज आपको सफलता मिलने वाली है। घर में मेहमान आ सकते हैं, दिन भर थकावट और तनाव महसूस करेंगे। दूसरों की मदद आपको सोच समझ कर करना चाहिए। शिवलिंग पर दूध और जल चढ़ाना चाहिए। शुभंक आपके लिए 7 है, शुभ रंग आपके लिए गोल्डन है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों की, कैसा रहेगा आज इनका पूरा दिन, आज भाग्य कितना मजबूत है इनका, आइए जान लेते हैं। देखिए, कर्क राशि के जातकों को कहना चाहूंगा, आपके राशि में चंद्रमा और शुक्र की स्थिति है। चंद्रमा स्वगृही है, दशम भाव में बृहस्पति है, तो कहीं ना कहीं आज घर के बड़े बुजुर्ग आपकी आर्थिक मदद करेंगे, अपना खजाना आपके लिए खोल देंगे। आपके काम का क्रेडिट कोई और ले सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। और हो सकता है कि पिता के साथ किसी बात पर अनबन भी हो जाए, तो नहीं करना चाहिए। स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए, योग प्राणायाम करते रहिए। आज आप ओवर कॉन्फिडेंस में अगर आकर के कुछ बोल रहे हैं तो आपके ही शब्द आपको मुसीबत में डाल सकते हैं। आज आपको धार्मिक पुस्तकों का स्वाध्याय करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। शुभंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए क्रीम है। जय मां विंध्यवासिनी।
अब बात सिंह राशि वालों की, तो कैसा रहेगा आज इनका पूरा दिन, आइए जान लेते हैं। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो सिंह राशि के जातकों का ग्रह गोचर तो अच्छा ही है। जब लग्नेश और द्वितीयेश एक साथ होगा तो अयाचित धन लाभ योग बनेगा। तो आज सिंह राशि के जातकों के पास धन का खूब आगमन होगा और आप सेविंग्स भी कर पाएंगे और पूरे दिन आपकी व्यस्तता रहेगी। श्रीमान इस बात को नोट कर लीजिए, काम को अगर बोझ समझकर नहीं करेंगे तो थकान नहीं लगेगी और काम को बोझ समझकर करेंगे तो धड़ाम हो जाएंगे। अपने लोगों से तालमेल आपको अच्छा रखना चाहिए। स्वास्थ्य आज आपका दिन भर साथ देगा, लेकिन जरा आप खुश रहने की कोशिश करिए। मेहनत से मुंह मत मोड़िए, लेकिन मेहनत करते समय काम को एंजॉय करिए, काम को बोझ समझकर मत करिए। मैं फिर कह रहा हूँ, क्योंकि जरूरतमंदों में अन्नदान करिए। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए भूरा है। जय मां विंध्यवासिनी। बात कर लेते हैं हम कन्या राशि वालों की, कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति आज इनकी, कामकाज कैसा रहने वाला है, रिश्ते कैसे रहेंगे, सेहत कैसी रहेगी, साथ ही साथ क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, आपकी कन्या राशि है तो आपके राशि में मंगल भले ही बैठा हुआ है, लेकिन सूर्य बुध दोनों व्यय भाव में है। अगर व्यय भाव में इस तरह की स्थिति बनती है, लग्नेश और व्ययेश व्यय भाव में होते हैं, तो ऐसे लोगों का व्यर्थ का खर्च मुसीबत में डाल सकता है। आप किसी मित्र के कहने में आकर के कुछ ऐसा खर्च कर देंगे जो आपके बजट के हिसाब से अच्छा नहीं होगा। ऑफिस में अगर आप नौकरी करते हैं तो अपने काम पर आपको ध्यान देना चाहिए। दाम्पत्य जीवन में आपके खुशियां लौटेंगी। किसी नुकसान के चलते स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। जल्दबाजी के निवेश से आपको बचना चाहिए। जल्दबाजी में कहीं पैसे का लेन देन नहीं करना चाहिए और किसी तरह के ऑफर के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। राम दरबार की विधिवत पूजा करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए बैगनी है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब तुला राशि वालों की हम बात कर लेते हैं, कैसा रहेगा आज इनका पूरा दिन, आइए जान लेते हैं। चलिए, केतु भगवान तो आपकी राशि में बैठे हुए हैं, लेकिन आपके आजीविका स्थान में चंद्र शुक्र की स्थिति है जो कुछ हद तक तो आपको संभालेगी, लेकिन मंगल जो व्यय भाव में बैठा हुआ है ये धनहानि की ओर इशारा कर रहा है। इसलिए अगर आप संकोच में लेन देन कर रहे हैं तो सतर्क रहिएगा, वरना आप बेवकूफ बनेंगे। अनुभवी लोग आपके काम को सफल बनाएंगे। पारिवारिक मतभेदों को समझदारी से सुलझा लेना चाहिए। अपनी मां की सेहत का ध्यान रखना चाहिए। लेन देन में पूरी सावधानी बरतिए। छोटी कन्याओं को लाल चूड़ियां और लाल वस्त्र अगर आप दान कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जल्दी से जान लेते हैं वृश्चिक राशि वालों का राशिफल। भाग्य भाव में चंद्रमा स्वगृही शुक्र के साथ, बच्चों की पढ़ाई पर पैसा खर्च होगा अगर आप वृश्चिक राशि के जातक हैं तो। और नौकरी बदलने के लिए दिन अच्छा है, आप आज चेंज कर सकते हैं। परिवार में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। जीवन साथी की सेहत का ध्यान रखिए। आज उधार किसी को मत दीजिए, मंगलवार है, वरना पैसा फंसेगा। दूध या दही का दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं जल्दी से धनु राशि वालों की, क्या कहता है धनु राशि का राशिफल। धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि देखिए, आपके धन भाव का स्वामी पराक्रम भाव में शनि देव संकेत दे रहे हैं कि कहीं पुराना पैसा अगर आपने लगाया है तो उससे आज आपको लाभ मिलने वाला है। साझेदारी में लगाया पैसा सफलता दिलाएगा। बच्चों के साथ खूब समय बिताइए।
ज़्यादा भाग दौड़ से स्वास्थ्य बिगड़ेगा, सोच समझकर कोई बड़ा फैसला लीजिए। धर्म स्थान में झंडा दान करिए। शुभ अंक आपके लिए नव है, शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि के जातकों का ग्रह गोचर तो यही कह रहा है कि चंद्रमा और शुक्र की पूरी दृष्टि पैतृक संपत्ति मिलाने वाली है। ऑफिस में सहकर्मियों का साथ मिलेगा, पिता के साथ रिश्ते बिगड़ सकते हैं। बाहरी खान पान से बचिएगा तब स्वास्थ्य ठीक रहेगा। व्यर्थ का वाद विवाद बिल्कुल मत करिए। हनुमान चालीसा का पाठ करिए। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जान लेते हैं कुंभ राशि वालों का राशिफल। किसी पुराने निवेश से धन लाभ होगा भैया। काम से जुड़े सही फैसले सफलता दिलाएंगे। जीवन साथी से रिश्तों में मनमुटाव हो सकता है। गाड़ी चलाते समय सतर्क रहिएगा और अनजान व्यक्ति के ऊपर भरोसा मत करिएगा। भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए भूरा है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात करते हैं मीन राशि वालों की। जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत रहने वाला है। मीन राशि से पंचम भाव में चंद्र शुक्र की स्थिति है, लेकिन व्यय भाव में शनि देव तो वैसे ही बैठे हुए हैं। धन का आगमन तो हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन खर्चों में बेतहाशा बढ़ोतरी होगी। और अगर आप नौकरी करते हैं और लापरवाही करेंगे तो नौकरी पर भी खतरा मंडरा सकता है। अपनों से मुलाकात होगी, अच्छा समय व्यतीत होगा। सिर का दर्द आपको परेशान कर सकता है। जल्दबाजी में कोई प्रॉपर्टी का टोकन आपको नहीं देना चाहिए। चांदी का सिक्का अपनी पॉकेट में रखना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी।